हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल टेक्नोवास्टेज में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हमारे पास है रियलमी 6 प्रो फोन, और आज इस फोन में OTG टेस्ट करेंगे। और OTG टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारा एसेसरीज है, यहाँ तक कि 1 TB का हार्ड ड्राइव भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें टेस्ट करते हैं और देखते हैं सपोर्ट करता है या नहीं करता है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास टाइप सी OTG, और इसे अभी मैं इंसर्ट करता हूँ अपने फ़ोन के अंदर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी एसेसरीज दिखाऊंगा, यहाँ तक कि OTG का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर चाहे तो वहाँ से परचेस कर लीजिएगा। और ये है हमारा 16 GB का सैंडिस्क का पेन ड्राइव, जो कि 2-in-1 है। तो इसे अभी इंसर्ट करते हैं फ़ोन के अंदर और चेक करते हैं ये सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैं फ़ोन में इंसर्ट कर दिया हूँ 16 GB का पेन ड्राइव, और अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका रियलमी फ़ोन है, तो रियलमी फ़ोन में आपको बेसिकली OTG ऑन करना पड़ता है। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सेटिंग में जाता हूँ, और ऊपर में दोस्तों यहाँ पर OTG टाइप करना है। ओके, OTG यहाँ पर टाइप कीजिए। यहाँ पर देखिए OTG कनेक्शन आ जाएगा, इसे आपको ऑन कर देना है। यहाँ पे देखिए ऑन हो गया, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फाइल देखने को मिल जाएगा, जो कि 16 GB के अंदर जितने भी फाइल था सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट एसेसरीज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है ब्लूटूथ रिसीवर डोंगल, इसे अभी हम फोन में इंसर्ट करते हैं। इससे हमारा कीबोर्ड एंड माउस चलेगा। तो इसे मैं लैपटॉप में यूज करता हूँ, अभी फोन में लगाता हूँ और देखता हूँ फोन में सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगर फिजिकल कीबोर्ड का ऑप्शन आ चुका है, मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं हमारा माउस परफेक्टली वर्क करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए माउस का आइकन आ चुका है, और ये परफेक्टली वर्क भी कर रहा है, कहीं भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है। ये देखिए बहुत ही परफेक्टली वर्क कर रहा है, मतलब माउस तो सपोर्ट करता ही है। और यहाँ पे कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चैनल का नाम मैं टाइप कर रहा हूँ टेक्नो मास्टर जी, और यहाँ पे कोई भी वर्ड मिसिंग नहीं है, पूरा परफेक्टली टाइप हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कीबोर्ड माउस सपोर्ट करता है, इसके मतलब फ्रेंड्स आपको अगर टाइपिंग वाइपिंग स्पीड बढ़ाना है तो फिर आप OTG की हेल्प से कीबोर्ड एंड माउस को कनेक्ट करके टाइपिंग स्पीड कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट एसेसरीज की बात करें तो हमारे पास है यहाँ पे LED लाइट, जिसकी हेल्प से मैं रात को लैपटॉप वगैरह यूज करता हूँ इसके रोशनी से। तो इसे अभी इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंसर्ट करते ही यहाँ पे हमारा लाइट जल चुका है। इसका मतलब दोस्तों, इस फोन से OTG के थ्रू आप दूसरे फोन भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आउटपुट एनर्जी भी बाहर निकलता है इस फोन में। मतलब सिंपल बात फ्रेंड्स, इस फोन में आपको रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास है हार्ड ड्राइव 1 TB का, तो इसे अभी इंसर्ट करते हैं फोन के अंदर और देखते हैं 1 TB का हार्ड ड्राइव सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे इंसर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं इंसर्ट कर दिया हूँ, और यहाँ पे हार्ड ड्राइव के अंदर एक रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बट दोस्तों, यहाँ पे अभी तक फोन में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अभी हम वेट करते हैं नोटिफिकेशन का। और ये देखिए दोस्तों, OTG आ चुका, मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है, OTG सपोर्ट कर गया है। ये हमारा फोन स्टोरेज, और OTG ओपन करके देखता हूँ यहाँ पे हमारा फाइल सपोर्ट किया है कि नहीं किया है। तो ये देखिए हमारा दोनों फाइल आ चुका है, मैं दो पार्ट में डिवाइड किया था। इसके मतलब दोस्तों, 1 TB का हार्ड ड्राइव भी सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे OTG तो सपोर्ट करता ही है हमारा फोन में। और यहाँ पे हम एक आखिरी टेस्ट करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास है USB हब, और यहाँ पे मैं 4 एसेसरीज को कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ 4 एसेसरीज का लोड एक बार में ले पाता है कि नहीं रियलमी 6 प्रो फोन। तो यहाँ पे देखिए मैं लाइट को कनेक्ट कर दिया हूँ, जो LED लाइट था, और ये है हमारा ब्लूटूथ रिसीवर, और इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास पेन ड्राइव भी है, और ये 1 TB का हार्ड ड्राइव। तो सबको एक साथ कनेक्ट करके चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सारा चीज़ को कनेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ पे चारों एसेसरीज है। तो अभी इसे हम फ़ोन में इंसर्ट करते हैं OTG के थ्रू और देखते हैं सपोर्ट करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लाइट जल चुका है सबसे पहले, ओके, और अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए OTG का कोई ऑप्शन नहीं आया, तो अभी हम फिलहाल वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास USB हब है, और यहाँ पे मैं 4 एसेसरीज को कनेक्ट कर दिया हूँ, बट दोस्तों यहाँ पे सारा एसेसरीज वर्क कर रहा है, बट स्टोरेज को छोड़ के। आप अगर स्टोरेज लगाते हैं तो एक ही स्टोरेज आएगा आपका, ओके,
आपका अगर पेन ड्राइव सपोर्ट कर रहा है तो हार्ड ड्राइव सपोर्ट नहीं करेगा, और हार्ड ड्राइव सपोर्ट कर रहा है तो फिर पेन ड्राइव नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। और दोस्तों आपको अगर ये सारा एक्सेसरीज परचेस करना है, फोन परचेस करना है, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सोशल मीडिया की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप अगर चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।